Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and welcome to Thapa Technical YouTube channel. I know guys, आप में से 95% लोगों ने थंबनेल पे Python मास्टर क्लास एट ₹99 देखा है एंड आपके माइंड में आप ये डाउट है, इज इट पॉसिबल? तो मैं बताना चाहता हूँ, यस इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल. क्योंकि जब मैंने कोडिफायर कंपनी स्टार्ट की थी तो गाइस हमारा जो फर्स्ट बैच था पाइथन का, मैंने कम्प्लीटली फ्री में पढ़ाया था 40 बच्चों को, राइट? तो ये पॉसिबल है. बट अब ये हमारा फोर्थ बैच है, तो क्या फोर्थ बैच में भी मैं ₹99 में पढ़ा रहा हूँ? तो मैं बताना चाहता हूँ कि गाइस आपको हमारे पाइथन मास्टर क्लास में एनरोल जरूर मिलेगा ओनली ₹99 में. लेकिन देयर इज अ कैच, एंड वो कैच क्या है मैं आपको बताऊंगा. लेकिन उससे पहले प्लीज गाइस, मैं आपके साथ दो चीजें जो शेयर करना चाहता हूँ. आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, देन यू विल डिसाइड आपको क्या करना है, ठीक है? तो जो दो चीज है ना, उसको मैंने ध्यान में रख के ही ये 99 वाला टैग रखा है. क्यों, मैं आपको बताता हूँ. नंबर वन इज ट्रस्ट, नंबर टू इज एग्जिस्टेंस. तो गाइस जो ट्रस्ट है ना, उसके अंदर भी मैंने पांच चीजों को ऐड किया हुआ है. ट्रस्ट के अंदर जो सबसे पहला वो ये कि जब मैं ये बार बार थापा टेक्निकल ना बोल के कोडिफायर बोल रहा हूँ, तो आप में से बहुतों को ये लग रहा है कि मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ कोडिफायर को. तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कोडिफायर मेरी अपनी खुद की कंपनी है. तो ये पहला पॉइंट है कोडिफायर. आप चाहो तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ करेंट अफेयर्स, उसमें जाके आप कोडिफायर चेक कर लो. आप वहां जाके फाउंडर देख लेना, आपको मेरा नाम मिलेगा, विनोद बहादुर थापा. तो ये पहला ट्रस्ट यहाँ पे चेक, ठीक है? सेकंड, अब आप में से बहुत तो कोई होगा, भाई क्लासेस की तो ये लोग बात करें, बट वो क्लासेस कैसा होगा? टाइम पास होने वाला है, अच्छे से पढ़ाने वाला है, कैसा होगा? ऑब्वियसली माइंड में क्वेश्चन उठता है, भाई कोई भी इंसान अपने पैसे कुछ खर्च करने से पहले 100 जगह वो चेक करता है, मैं कौन से क्लासेस में जाऊँ, कौन से इंस्टीट्यूट में जाऊँ, जो कि एकदम सही है, राइट? सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंस्ट्रक्टर कौन है, भाई जो हमें पढ़ा रहा है, क्या उसको खुद पाइथन आता है? क्या उसने कभी MNC कंपनी में जॉब की है? अगर नहीं भी की तो क्या खुद उसने फ्रीलांस या कुछ ऐसा पहाड़ तोड़ा है क्या पाइथन में जो हमें सिखा सके? समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो वो जो ट्रस्ट है कि इंस्ट्रक्टर कैसा है, थर्ड पॉइंट में आ गया. नंबर फोर्थ, क्लासेस अगर हो भी रहेगी, क्या वो फन है? क्या उसमें नॉलेज शेयर हो रही है? क्या उसमें हमारे जो डाउट सेशंस है, क्या वो क्लियर होंगे? क्या एवरीडे लाइव होगा? कहने को तो यहाँ 30 दिन लाइव बोला है, क्या हर एक दिन लाइव होगा या पता चला प्री रिकॉर्डेड चिपका दिया? ऑब्वियसली माइंड में डाउट आता है ना, मुझे मालूम है भाई, आता है डाउट. तो ये चौथा हो गया. एंड पांचवा, क्या ये जो सर्टिफिकेट देने वाले, क्या वो वैलिड है? क्या कोर्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा? क्या उसको मैं कहीं पे दिखा सकता हूँ? ऑब्वियसली अगर नंबर वन, अगर ये कंपनी रजिस्टर्ड है, देन आप कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, क्योंकि मैं जुड़ा हूँ उसके साथ. तो ये नंबर वन ट्रस्ट के अंदर ये पांच पॉइंट्स थे, ठीक है? नंबर टू एग्जिस्टेंस. ये जो एग्जिस्टेंस वाला जो पार्ट है ना गाइस, ये तो मैं खुद पीड़ित हूँ. मैं ये नहीं बोलता कि मैं एकदम खतरा वाला पीड़ित हूँ, बट हाँ मैंने भी फील किया. एंड दैट इज कि गाइस, अगर आप कभी कोई कोर्स एनरोल करते हो, ठीक है, मैं अब ये नहीं कह रहा कि हर जगह होता है, मैं मुझे एटलीस्ट लगता है कि शायद 60% जगह पे होती होगी, 40% जेन्युइनली बहुत अच्छे है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे किसी को जस्ट ऊपर नीचे नहीं दिखा रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पे अगर आप अपफ्रंट पे कर देते हो, उसके बाद गाइस आप जाओ ना जाओ, जो भी हो गाइस, मतलब आपको फील आ जाता है, यार मैंने पैसे तो दे दिए लेकिन मुझे वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली, मेरा एग्जिस्टेंस यहाँ पे होना ना होना एक बराबर है. वो जो फीलिंग है ना लोनलीनेस वाली, वो बहुत गंदी फीलिंग होती है. उसी में ही सेकेंड फीलिंग ये है कि आपने नोटिस किया होगा आप में से बहुतों ने कभी, एंड आई थिंक नहीं भी किया होगा क्योंकि आपने कभी एनरोल नहीं किया होगा, बट अगर आप कभी करते हो तो ये भी बहुत बार होता है कि लाइक 6 महीने का कोर्स है, लेट्स से है ना, फर्स्ट मंथ आपने पेमेंट कर दी 50%, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप आफ्टर 1 month सेकेंड इंस्टॉलमेंट में खत्म कर देना. तो फर्स्ट मंथ आपने दी, फर्स्ट होगी इंस्टॉलमेंट, 1 महीना अच्छे से पढ़ा एकदम मस्त, लेकिन द मोमेंट नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है एंड देन आपका जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट फाइनल इंस्टॉलमेंट की बात आती है, फिर नहीं हो पाता. लाइक वो बोलते पहले आप ये फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करो तभी आप क्लास में बैठ पाओगे, तो आपको फील नहीं होता होगा यार 6 महीने का कोर्स है, अगर मैंने 50% दी तो 3 महीने तो मुझे मिले ना. चलो 3 महीने कोई नहीं, कंपनी का भी होता क्योंकि मैं खुद चला रहा हूँ, मुझे मालूम है बहुत सारी चीजें है, एटलीस्ट भाई 10 दिन का मौका तो दो मुझे. लेकिन ये तो मत कहिए ना कि क्लास में नहीं बैठ सकते, तो ये होता है, राइट? तो अब ये जो दो चीज है मेरे कंपनी कोडिफायर में, जब हम पाइथन मास्टर क्लास पढ़ा रहे, तो वो आपको फील ना हो मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ? एंड जब तक मैं प्रूव नहीं करूंगा, आप लोग कभी एनरोल ही नहीं करोगे, क्योंकि कंपटीशन इतना तगड़ा है कि लाइक अगर कोई ऑनलाइन में आके बोल दे हमने ये कोर्स स्टार्ट किया, आप एनरोल कर लो, क्यों करोगे आप? मुझे मालूम है क्यों करोगे यार, आपके ऑफलाइन में इतने अच्छे से इंस्टीट्यूट हो सकते हैं,
मतलब जगह जगह है, मुझे मालूम है गाइस सब कुछ, राइट। मैं गुजर चुका हूँ उस फेज से, एंड मैं तो यूट्यूब पे फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर भी रहा हूँ। तो मैं अब अगर आपसे कुछ चार्ज कर रहा हूँ, वो भी इतना कम कि लोग हंसते बाहर, भाई पाइथन कोई 3999 में कैसे सिखा सकता है? वो भी वो बंदा सिखा रहा है जो एमएनसी में काम कर रहा है, मुझे उसको भी सैलरी देनी है, कंपनी का अलग, बंदों को अलग। मतलब मैं ऑलवेज लॉस में ही हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे आप चाहिए, समझ रहे हो? मुझे आपकी रिव्यू चाहिए, आपका फीडबैक, ताकि वो मैं आगे जाके दिखा सकूँ और लोगों को कन्विंस कर सकूँ। डेट्स वाई गाइस, ये जो ट्रस्ट के अंदर जो पांच चीजें थी, ये मैं आपको कैसे यकीन दिलाता, राइट? जब तक आप एनरोल ही नहीं करते, कभी मैं आपको यकीन नहीं दिला पाता। डेट्स वाई मैंने 99 रुपीज रखा है, जहां पे मैं आपको 99 रुपीज में 3 दिन का एक्सेस देने वाला हूं, जिसमें हमारा जो डे वन होगा उसमें आपके ऑलमोस्ट 99% डाउट क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज पाइथन, व्हेन पाइथन, एंड व्हाई पाइथन। बेसिकली इस दिन आपको पाइथन अगर आप सीखते हो, देन आप कहाँ कहाँ अपने करियर अपॉर्चुनिटीज को लेके जा सकते हो, या कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। तो होता है ना कि बाकी जगह तो जस्ट ये पाइथन क्या है एंड पाइथन एज अ करियर करके एक बूट कैम्प रखा जाता है, जहां पे 499, 299, वो तो आपको ये 99 के डे वन में मिलने वाला है। डे टू में इंस्टॉलेशन एंड ऑल वो सब हो गया, डे थ्री में हल्का पाइथन का बेसिक। तो मुझे लगता है कि ये 3 दिन मोर देन इनफ है आपको यकीन दिलाने के लिए कि नंबर वन कोडिफायर आप चेक कर लीजिएगा एमसी ऑफिशियल वेबसाइट पे। रही बात इंस्ट्रक्टर कैसा है, क्या करता है, आपका ये जो हम जो क्लासेस ले रहे हो वो अच्छा है या नहीं, तीसरा आपका जो डाउट सेशन डाउट है क्लासेस में, प्रॉपर जो फन या जो एक माहौल होना चाहिए वो है या नहीं, है ना? अब कोर्स कंप्लीशन तो एंड में पता चलेगा, बट एटलीस्ट जितने भी ये डाउट थे ये मैं क्लियर कर सकता हूँ 3 दिन में। मुझे लगता है 3 दिन इट्स लाइक मोर देन इनफ दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए कि हम जो इतना बोल रहे वो रियल है या नहीं। उसके बाद तो गाइस आपका रिव्यू मुझे बहुत मैटर करेगा। उसके बाद गाइस अगर आप एनरोल कर देते हो तो बिलीव में मुझे बहुत खुशी होगी, एंड इतना तो मैं गारंटी देता हूँ, लाइक आफ्टर 30 डेज आप मुझे थैंक यू बोलोगे, अच्छा हुआ यार आपने 99 वाला रखा, मुझे मौका मिला देखने का, एंड आज मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, ठीक है? एंड अगर आप एनरोल नहीं करते, ऑब्वियसली रीजन क्या होगा, या तो पैसे नहीं है, या तो टाइम मैच नहीं कर रहा है, तीसरा या तो टीचर ने जो पढ़ा आपको पसंद नहीं आया, या चौथा जब आपने डाउट पूछा तब भी आपको वो फीडबैक या उस तरीके का सोल्यूशन नहीं मिला जो आप सोच रहे थे, ऑब्वियसली यही होगा ना। एंड मैं भाई मैं एकदम ओपन हूँ, मुझे मालूम है लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। डेट्स व्हाई मैं खुल्लम खुल्ला ये वीडियो मैं अब अपलोड कर रहा हूँ। मैं जस्ट ये जो चीजें है ट्रस्ट एंड देन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस रही बात है एग्जिस्टिंग सेकेंड वाला एग्जिस्टेंस वाली, आप बिलीव नहीं करोगे हम गाइस आपको बोलेंगे, समझ रहे हो भाई? ये टास्क किया कि नहीं, ये जो क्विज था कंप्लीट की कि नहीं, असाइनमेंट कंप्लीट किया कि नहीं, मतलब आप अगर छुट्टी नहीं आओगे ना तो हम कॉल करते रहेंगे या मैसेज पे मैसेज डालेंगे, भाई आजा आजा आजा। ये हम हमारे लिए नहीं कर रहे, हम आपके लिए ही कर रहे। अगर आप एक दिन मिस करते तो एक दिन का ज्ञान आपका चला जाएगा, समझ रहे हो? एंड रेज्यूमे प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन तो है, इतना सब कुछ है यहाँ पे। तो ये जो चीजें है गाइस ये आपको 99 रुपीज में मिलने वाला है, जबकि आज के टाइम में तो 99 में बर्गर मैकडी में एक बर्गर ना आए, एक पिज्जा ना मिले आपको, KFC का चिकन ना मिले आपको, समझ रहे हो? इवन चाय ना मिले मॉल में 99 रुपीज में, तो आपको तो वहां पे आपको आपका करियर का जो भी है वो मिलने वाला है। डे वन में आपका क्लियर हो जाएगा यार, आप पाइथन का क्या है क्या नहीं है, डे वन में आपका क्लियर हो जाएगा, वो भी सिर्फ 99 में। सिर्फ इतने ही नहीं गाइस, अगर 99 के बाद आप एनरोल कर लेते हो तो गाइस हम तो लाइफ टाइम साथ रहेंगे, फिर हम कभी छोड़ के नहीं जाते, कभी भी बैच खत्म भी हो गया उसके बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट या डाउट्स पूछ सकते हो। लेकिन किसी कारणवश अगर आपको पसंद नहीं आया, या आपका टाइम मैच नहीं हो रहा, या अगर आप सीखना चाह रहे थे लेकिन आप नहीं सीख पाए, कोई बात नहीं गाइस, हमारा 5th बैच भी तो आएगा, 6th भी तो आएगा, 7th भी तो आएगा। तो जब भी कोई भी बैच आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, एंड तब हम आपको एक डिस्काउंट देने वाले, जो भी हमारा एक्चुअल प्राइस होगा उसमें हम आपको डिस्काउंट देंगे, ताकि हम आपको ये बता सके कि अभी आपने हम पे भरोसा करने के लिए 99 पे की है, तब वो जो 99 है आपका कहीं नहीं जाएगा, वो एज एन इन्वेस्टमेंट हमारे साथ रहने वाला है, एंड तब हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। सो या गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं था यहाँ पे, एंड ये कोई प्लान भी नहीं था। आज सुबह मैं उठा, मेरे माइंड में ये था मंडे से क्लास स्टार्ट होने वाला है, एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, उनको मैं ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो आप हो, मेरे लिए तो मेरी यूट्यूब फैमिली है, बाकी मैं कहाँ फेमस हूँ? फेमस मैं तो यूट्यूब में भी नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप तो हो। सो डेट्स वाई मेरे दिमाग में ख्याल आया कि 99 रुपीज़ में सब क्लियर हो जाएगा, 3 दिन ये मोर देन इनफ है आपको ये पता लगाने के लिए कि आपको जो चाहिए था हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। इतना ऑसम अपॉर्चुनिटी है गाइस, प्लीज एनरोल कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, एंड देन मैं आपको मिलता हूँ ऑन कमिंग मंडे।